राजकीय बौद्ध संग्रहालय के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन के दृष्टि में गोरखपुर विषय पर छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक मनोज कुमार गौतम ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका विषय है गोरखपुर और पर्यटन। उन्होंने कहा कि गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत तेजी से बदल रहा है, यहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावना है। इसी विषय को लेकर गोरखपुर पर्यटन स्थल को दर्शाया गया है। गोरखपुर में पर्यटन की दृष्टि से नौकायन, रामगढ़ ताल, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र, बौद्ध संग्रहालय, बुढ़िया माता मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, जो कि यहां पर पर्यटन की दृष्टि से मुख्य है। सरकार गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक मनोज कुमार गौतम ने कहा, मनोज कुमार गौतम, उपनिदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। जी बिल्कुल, 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका विषय है गोरखपुर एवं पर्यटन। गोरखपुर निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से बदल रहा है और पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के गोरखपुर के पर्यटन के ऊपर फोकस किया गया है इस प्रदर्शनी में। गोरखपुर में आप देखेंगे तो पर्यटन के दृष्टि से नौकायन, रामगढ़ ताल, चिड़ियाघर, बौद्ध संग्रहालय, बुढ़िया माई, गोरखनाथ मंदिर, इसी तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पे विकसित हो रही हैं और गोरखपुर को पर्यटन का हब बनाने की पूरी कोशिश चल रही है और इसमें पर्यटक गोरखपुर में आ रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। इसको लेकर के होटल की तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, जो हॉस्पिटलिटी है उनको दी जा रही है, जिससे गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और गोरखपुर पर्यटन के दृष्टि से कैसा है उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है।